हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टक एंड कतर व्लॉग। आज का व्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ मटन मंदी। चलो आइए, मटन मंदी कैसे बनाते हैं आपको मैं बताती हूँ। मैं यहाँ ली हूँ लेग पीस मटन, उसको मैं अच्छा मीडियम साइज़ में कटिंग करके रखी हूँ। अभी उसमें मैं ऐड करती हूँ गार्लिक जिंजर पेस्ट। मैं उसमें 3 चम्मच गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करी थी, और इसमें इसमें कितना होना चाहिए गलने के लिए गोश्त, उतना पानी भी ऐड करती हूँ मैं। ये मटन है ना, ये अच्छे से गलना चाहिए, जैसे हम उसको सीटी लगाएंगे। अब यहाँ रेडी कर रही हूँ मैं हरे मसाला पेस्ट। इसमें पुदीना, अच्छा बहुत पुदीना ली थी मैं, और ये पुदीना थोड़ा ख़राब भी था, इसमें से अब चुन के निकालना है। अब थोड़ा पत्ते भी ब्लैक ब्लैक हो गया है। फिर इसमें मटन मंदी एक अरबियन डिश है, अब अपना पास तो उसको हरी मिर्ची अपने ऐड करते हैं। हमारे को तो थोड़ा तेज़ होना चाहिए, बाहर वाले इसको बना रहे तो इसमें काली ब्लैक पेपर डालते हैं, काली मिर्ची पाउडर। हम तो इतना पिक्का नहीं खा सकते, इसलिए हम तो इसमें थोड़ा हरी मिर्ची भी ऐड करेंगे, और इसमें कोथमीर भी ऐड करी हूँ मैं। कोथमीर भी अच्छा बहुत ऐड करी थी, हरी मिर्ची तो थोड़ा कम मिर्ची ऐड करी मैं, थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं बना रही हूँ मैं। ये शाइमा का आज बर्थडे है, तो शाइमा का बर्थडे के स्पेशल बनाई थी मैं ये मंदी। अभी इसको सो पेस्ट करना है हमारे को। अब आप और क्या क्या डालना है अभी मैं उसमें बताऊँगी। अभी इसमें गार्लिक भी डाली हूँ मैं, लहसुन भी अच्छे से डाली हूँ, मगर थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा निकाल देती हूँ लहसुन। इसमें गार्लिक जिंजर भी पेस्ट डाली थी मैं, एक सीटी लगाई ना गोश्त को, उसको भी गार्लिक जिंजर पेस्ट लगी। कोथमीर में ऐसा वो तो घास भी आता है, कभी अच्छे से साफ़ करने निकालना पड़ता। और इसमें मैं डाली हूँ एक ऑनियन, प्याज, और थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ा सा नमक डाल के उसको पेस्ट बनाऊँगी ग्रीन मसाला का। जब तक मैं यहाँ ऑनियन फ्राई करूँगी, क्यों वो क्या है बाद में आपको वो भी बताऊँगी। अभी इसको गोल्डन कलर में अपन फ्राई करके निकालना चाहिए। अब यहाँ मेरा पेस्ट भी रेडी हो गया है। अब ऑनियन फ्राई करें हम, और तेल में हम अब मसाला फ्राई करेंगे पूरा। थोड़ा सा शाहजीरा मैं एच ऑयल में ऐड करी हूँ, ऑइच ऑयल में। फिर ऐड करी हूँ मैं ये ग्रीन पेस्ट, ग्रीन मसाला, हरा मसाला बना के रखी थी, जो मैं ऐड करके अच्छे से थोड़ा देर उसको फ्राई करूँगी। धीमे धीमे आँच पर उसको फ्राई करना चाहिए। अब यहाँ मेरा गोश्त भी अच्छे से गल गया है, देखिए अच्छे से सीटी हो गया ये। इसमें मैं अच्छा 7-8 सीटी लगाई हूँ ये। इसमें अब हरा मसाला का, उसमें मैं ये गोश्त को भी इसमें डाली हूँ। अभी इसमें मैं ये मंदी पाउडर डालती हूँ। आपके पास मंदी पाउडर नहीं है तो आप थोड़ा गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिए। मंदी पाउडर होना बल्कि ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से गरम मसाला जो है थोड़ा का गरम मसाला भी डाल सकते, नहीं है तो पाउडर भी डाल सकते। अभी इसमें मैं ब्लैक पेपर भी, काली मिर्ची पाउडर भी ऐड करती हूँ थोड़ा। ये देखिए, इसको अभी अच्छे से फ्राई करेंगे हम, ये तेल छूटने तक अच्छे से इसको भुनेंगे। अब थोड़ा मैं ढक्कन लगा सकती थी इसको, जब तक थोड़ा पके तो पानी भी सूख जाता है इसका। अब देखिए, अब अच्छे से ये तेल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। अभी इसमें मैं मेरे चावल के हिसाब से पानी ऐड कर लेती हूँ। अब हम कितना चावल लेते उसका डबल पानी लेना चाहिए, अपन किस में कितना चावल लिए वो इस बर्तन में अपन डबल पानी लेना चाहिए। अब मैं यहाँ मेरे चावल के हिसाब से मैं यहाँ पानी ऐड कर लेती हूँ। अब ये पानी पकने देंगे, जब तक मैं यह राइस वॉश करके रख देती हूँ। अभी इसमें ऐड करती हूँ मैं नमक।
कितना अभी 3 माप चावल ले रही तू। मेरा घर का स्पून से मैं 3 चम्मच नमक डाल दूँ। और ये नींबू तो मंदी में है तो बहुत ही टेस्टी बनता है। मंदी का एक ये नींबू का एक कुछ स्पेशल है इसमें। मैं ये नींबू सूखी नींबू नहीं है तो आप कच्चा नींबू भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ ड्राई फ्रूट ज़रा घी में फ्राई कर लेती हूँ। ये बादाम, एक किशमिश मैं गैस बंद करके वो गरम तेल में डाल देती हूँ। क्यों बोले तो किशमिश जल्दी जल जाता है। किशमिश के लिए थोड़ा गरम है तो भी चलता तेल। अब ये किशमिश भी रेडी हो रहा है मेरा। आप भी एक बार ये मंदी ट्राई करके देखिए। ये बना रहे तो बहुत ही आसान है। एक बार आप बनाएंगे आपको फिर पता चलेगा आसान रहता है। हम हर डिश को एक बार ट्राई करके तो देखना चाहिए। अब आपको मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब बादाम और किशमिश को मैं फ्राई करके निकाल दी हूँ। अब यहाँ चावल भी डाल दी थी मैं। अब वो चावल पकने को तो थोड़ा देर है, अपन बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए इसको। अब देखिए चावल भी रेडी हो गए। अब मैं दम पे रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। दम पे हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, मैं उसमें से गोश्त मटन डाली थी मसाले में। चावल डालने से पहले उसमें से मटन का पीस निकाल के अलग से रखी थी मैं। उसके बाद उसमें पानी ऐड करके चावल ऐड करी थी। वो वीडियो मिस हो गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा अपन मटन को फ्राई करके निकालना चाहिए ऑयल में। उसके बाद हमारे हिसाब से हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब मैं ये मंदी एक प्लेट में डाल के उसमें मैं मटन पीसेस और ऑनियन बादाम किशमिश का डेकोरेट करूँगी। गार्निश के लिए सूप डाल देती हूँ मैं। ये मंदी तो बहुत टेस्टी बनता है। आप भी एक बार उसको ट्राई करके देखिए।